वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज आप करेंगे रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। बेटा रिएक्शंस के कुछ फंडामेंटल रिएक्शंस होती हैं, कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन होती हैं। फंडामेंटल रिएक्शन होती हैं जिहड़ियां बेटा जी वो सारिया के प्रोडक्ट लगभग सेम होने होंगे ने। 2019 फंडामेंटल रिएक्शन तो उद्दे विच आपां सब तो पहले जिहड़ी रिएक्शन करनी है दैट इज कंबशन। कंबशन का मतलब की होंगे? कंबशन का मतलब होंगे अग लाउणा। ठीक है, तो जो भी कार्बन कंपाउंड नूं आपां अग लाउणे आ उहनूं आपां हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यह ऑक्सीजन की प्रेजेंस के ही होगी तो कुछ पैदा होता है, एनर्जी पैदा होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और कोई गैस नहीं पैदा होती। जो आप कार्बन कंपाउंड किसी करते हैं हीट करते हैं, क्योंकि कार्बन हाइड्रोकार्बन सिर्फ कार्बन से हाइड्रोजन ही है, और कोई सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड ऐसा कुछ नहीं पैदा हो सकता अंटिल और अनलेस इट हैव सम इंप्योरिटीज ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर एज वेल। ठीक है जी, उदो ही हो सकता। तो चाहे किसी चीज को कंपोज कर दो, चाहे इसकी जगह एल्कोहल लिख दो, उदा भी सेम रिएक्शन हो, एनर्जी लाइट हीट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स होता है। ठीक है, तो कोई इथानॉल आगा उन्होंने आप हीट कर दो तो भी सेम चीज आऊगी। मतलब कार्बन कंपाउंड हरेक चीज जी जरूगी इसे चीजा की आउटपुट निकलूगी। बस फर्क कि कहूगा किसी च वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से हीट ज्यादा निकलेंगे, किसी के पिछले घट निकल। हुण एक इशू होर हो जाता कंबशन के विच, उह हुंदा कई चीज़ां तां विद फ्लेम चलदियां नेगियां, विद फ्लेम, कई चीज़ां विदाउट फ्लेम चलदियां नेगियां, तां इन्हां च की फर्क हुंदा गा? बेटा जिहड़ी चीज़ विद फ्लेम चलदी आ ना, असल दे विच की हो रहा गा, उस चीज़ दे विच वाटर वेपर्स ते कुछ वोलाटाइल सबस्टांसिस नेगे। की नेगे? वाटर वेपर्स एंड सम वोलाटाइल सबस्टांसिस। जदों वाटर वेपर्स ते वोलाटाइल सबस्टांसिस वोलाटाइल उड़दे ने हवा दे विच ते उहनां नूं हवा दे विच अग लगदी आ तां फ्लेम पैदा हुंदी। ठीक है, जिवें आपां कहिंदे आ जदों लक्कड़ आपां शुरू-शुरू च जलाउंदे आ तां उहदे विचों पीली फ्लेम निकलदी आ, पर थोड़े टाइम बाद उहदे कोले बण जांदे ने जिन्हां चों फ्लेम नहीं निकलदी, पर उह बहुत ज़्यादा की करदे ने हीट प्रोड्यूस करदे ने। असल दे विच हो की रहा हुंदा गा, पहलां तां बेटा लक्कड़ दे विच वोलाटाइल सबस्टांसिस होंदे ने, फॉर एग्जाम्पल वाटर पेपर हो गया, कोई होर कंपाउंड हो गया जिहड़ा वोलाटाइल आ। जदों उह जलदा गा उदों तां की पैदा हुंदी आ? फ्लेम पैदा हुंदी आ। जदों वोलाटाइल सबस्टांस पूरी तरह नाल उस लकड़ दे विचों खत्म हो चुकिया हुंदा तां आपणे कोल एंड दा एंड की रह जांदे ने? कोले रह जांदे ने जिहड़े कि बहुत ज्यादा गर्म हुंदे ने अते उहनां दी फ्लेम नहीं हुंदी। ठीक है जी, तां इह चीज़ फर्क तुसीं ध्यान नाल समझणगा। एक चीज होर हुंदी है जिहनूं आपां बोलदे हां इनकंप्लीट कंबशन, इह तीजा कंसैप्ट है कंबशन दा, इनकंप्लीट कंबशन। इनकंप्लीट कंबशन की है बेटा? इनकंप्लीट कंबशन इज दैट काइंड ऑफ कंबशन इन विच देयर इज अ लेसर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अमाउंट की होवे लैसर होवे, घट ऑक्सीजन के विच जदों आपां किसी चीज़ नूं की करदे हां बेटा जलाउंदे हां तां उत्थे इनकंप्लीट कंबशन हुंदी है, तां उत्थे ना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पैदा हुंदी, उत्थे CO2 नहीं पैदा हुंदी, उत्थे कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हुंदी है, CO पैदा हुंदी है, विच इज़ वेरी पॉइजनस गैस। ते जिहड़ी आपां सोच देखदे हां वी जदों कोई बंदा वी आपां कहिंदे हुंदे वी उत्थे अंगीठी च पाली पए सीगे ते उहनां दी डैथ हो गई है ना, भी सर्दियों के फलानी जगह से जी गिरती वाले पे से सवेरे उठे ही नहीं मर गए, तो वह की होंगे? वह असल यही चीज़ होंगी आ भी जो किसी कमरे के क्लोज आई गिरती तो उन्होंने एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही, क्योंकि कमरा टिपिकली बंद होंगे गा, तो वह लैसर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की होंगी आ? जल्दी आ, तो जल्द उ कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होंगी आ। कार्बन मोनोऑक्साइड आ जी जो अपने शरीर के जाती है तो यह हीमोग्लोबिन बॉन्ड बना लेंगी। की बना लेंदी है बेटा? हीमोग्लोबिन नाल बॉन्ड बना लेंदी है, ते अपने फेफड़ियां तों अपने सैल्स तक जांदी है, सैल्स तक जाके सैल नूं डैमेज कर दिंदी है, बिकॉज आवर सैल नीड ऑक्सीजन नॉट कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट्स वाई आपां उत्थे की होंदी है? अपनी डैथ हो जाती है। एक तां इह चीज़ हो गई इनकंप्लीट कंबशन। दूसरी इनकंप्लीट कंबशन की करती है? जदों आपां देखिया होगा भी किसी आपां चुल्हे दे उत्ते जां किसी ते भी कोई भांडा रखदे हां ते जे उहदा तला है जिहड़ा उह काला होण लग जाए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं भी ऐ करो ये चुल्हे को साफ करो, ये चुल्हे को साफ करना पड़ेगा, उसकी जो गलियां नेगियां उसके जो सराख ने सराखों के आप ना बहुत ही पतली सूई के नाल आप पिंच कर देंगे। वो क्यों कर दें? क्योंकि वह सराख के बेटा जी की होंगे गा, उस सराख के ऑक्सीजन इन आ रही होंगी है। ठीक है, तो उस ऑक्सीजन जे मात्रा घट जाए ऑक्सीजन की ता की होगा? इनकंप्लीट कंबशन हो, तो जिहड़ी कंबशन नहीं होगी वह सारा अपने भांडे के नीचे थले दे उत्ते की होगा? जम जूगा, ब्लैकिश हो जूगा। तो जदों ही कोई ऐसी कंडीशन आ जाए तो अपन की करना चाहिए? उन्होंने साफ कर देना चाहिए गा, वो जे मतलब यू कैन से सराख ने, तो उस जी ब्लैकिश लेयर आ जी उस यूटेंसिल्स के उत्ते नहीं जमूगी।
क्योंकि कंप्लीट कंबशन होनी शुरू हो चुकी। ठीक है जी, तो यह सी कंबशन का टॉपिक। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हाइड्रोजिनेशन, या फिर इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। की बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन। यहां पर नेक्स्ट पार्ट के बीच करेंगे। थैंक यू बेटा वेरी मच।